बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी सेकंड ईयर में हैं, आप देख सकते हो ये बीएससी सेकंड ईयर है और यहाँ बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर ले आए हैं। हम यूपी की आल यूनिवर्सिटी, जो यूपी की आल यूनिवर्सिटी है, उनके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं 2022 में आने वाले। देखिए, आप चाहे एमजेपी आर्य रोहिलखंड से हों, आगरा यूनिवर्सिटी से हो, मेरठ यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, बनारस यूनिवर्सिटी से हो, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं प्राइवेट हो जाए, देखो सबका जो है सिलेबस लगभग में सेम है, ठीक है, कोई मतलब कोई चेंजेस नहीं है। खास करके मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ यही पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है। आपको कैसे विश्वास हो जाएगा कि यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे? कैसे? आपके पास क्वेश्चन बुक, नोट्स वगैरह, सीरीज जो आपकी मार्केट से लेके आए हैं, लेके आए होंगे, मुझे पता है हर एक इंसान, हर एक छात्र जो भी होता है वो सीरीज ले मार्केट से लेके आता है। लेकिन अगली बार में जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की जो होंगी सीरीज, वो हम खुद देंगे आपको, वही पढ़ना होगा, बाकी कुछ नहीं। यूपी में पूरी जितने की फर्स्ट सेमेस्टर का जो हुआ है सिस्टम, जो पूरा चेंजेस हुआ है 2020 की नई शिक्षा नीति के अनुसार, जो चेंजेस किया गया है सिलेबस, वो हम अपनी तरफ से एक नोट्स बना के देंगे, आप वही उसको तैयार करना होगा, वही पेपर में आपको पेपर में देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चन। अब यहां मैं आपको क्या बताने वाला हूं, यहां आपको बताने वाला हूं केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है, जिसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बीएससी सेकंड में हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने वाला हूं यूपी की आल यूनिवर्सिटी के लिए। यही पढ़ना है, आपके पास सीरीज नोट्स गैस पेपर है, उस पर आपको टिक लगा लेना है जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बाकी कुछ मत देखना। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला नहीं होगा। यदि मान लीजिए आपके गैस पेपर में इनमें से जो 18-19 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसमें से मान लीजिए जो 18-19 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसमें से दो तीन क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, चार पांच क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, छोड़ दीजिए, जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो मिल रहा है उसको टिक लगाना है। और बाकी जो आपको लगता है एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ना जाए, आपके माइंड से क्या लगता है कि एक दो क्वेश्चन और पढ़ लिया जाए काम हो जाएगा मेरा, तो एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, यहां बोला गया है कि बीएससी सेकंड ईयर के लिए हमारा इनऑर्गेनिक का पेपर हो गया। अब यहां कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, देखिए मैं यहां ज्यादा फोर्स नहीं दूंगा कि सारे यही क्वेश्चन पढ़ के जाइए, मैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बता दूंगा, इसमें भी छोड़ पाऊंगा कुछ क्वेश्चन जो फालतू है, बिल्कुल फालतू है, ठीक है, इनमें जो मैंने लिखे हैं इसमें कुछ फालतू क्वेश्चन है, और जो वही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट है कि पेपर में यही छपेंगे, कि मतलब लास्ट टाइम के पढ़ने की बात कर रहा हूं, लास्ट टाइम की। एक दो क्वेश्चन नहीं मिलता है वो छोड़ दीजिए, उसके जगह पे एक दो क्वेश्चन अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए, काम हो जाएगा पक्का 100%। आपको फेल करने वाला आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई पैदा नहीं है, यूपी के अंदर तो नहीं कह सकता कि यूपी के अंदर कोई पैदा हो, सच बता रहा हूं। पेपर हैकर को आप अभी सब्सक्राइब कर लेना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। बीए पेपर, बीए बाई पेपर हैकर, बीएससी बाई पेपर हैकर, बीकॉम बाई पेपर हैकर, जितने हमारे चैनल है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बिल्कुल लास्ट में जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे अनदर चैनल मिल जाएंगे, उन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके, समझ रहे हैं। और बाकी एक नया चैनल हमने ओपन किया है जिसका नाम है खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा यार उसको प्यार दो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड को सब्सक्राइब कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। यहां देखो बोला गया है कॉपर परिवार। अब देखो कॉपर परिवार के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो देखो कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, ये तीन एलिमेंट होते हैं कॉपर परिवार के एलिमेंट। ये इतने मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछता है कि आवर्त सारणी में इसकी स्थिति पोजीशन बताना होता है, कैसी बतानी होती है, पोजीशन बताना होता है, देखो पोजीशन बताना होता है और उसकी विवेचना करनी होती है, कॉपर फैमिली एंड कॉपर सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर उन्हें पोजीशन बतानी होती है, वो किस पोजीशन पर क्यों रखे गए हैं, ये हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप टिक लगा चुके हैं, मुझे पता है ये क्वेश्चन 100% हर बुक में आपको देखने को मिलेगा, हर गेस्ट पेपर में देखने को मिलेगा, यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है, आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के चले जाते हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं। यहां देखिए ये बोला आयरन बोल्ट निकल की स्थिति, देखो यहां आयरन कोवाल्ट और निकल, जैसे हमने कॉपर सिल्वर और गोल्ड की देखी थी वैसे ही हमें देखना है आयरन कोवाल्ट और निकल की स्थिति क्या है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत ये देख लेना है। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये वाला ये मोस्ट पे लगा देना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं है, कानपुर यूनिवर्सिटी से हो, आगरा, मेरठ, जहां भी है आप, कहीं से भी है, यूपी के सारे यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहां देख लो, ये आपसे पूछता है कि 3D संकोण श्रेणी की आपको 4D एंड 5D श्रेणी तत्वों से तुलना करनी होती है, तुलना के लिए पूछता है कि 3D संकर श्रेणी की तुलना 4D एंड 5D श्रेणी तत्वों से करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये संकुल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स की परिभाषा आप पढ़ लेना। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाना, जिसे कहते हैं द्विअंगी यौगिक, ठीक है, कह सकते हैं ब्रेनिंग, देखो बिनेनरी कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद में हम नीचे जाना और इस पर टिक लगा लेना बेटा,
जिसे कहते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वर्नर के उपसंयोजक सिद्धांत, वर्नर के उपसंयोजन सिद्धांत के बारे में, ठीक है, वर्नर के उपसंयोजक सिद्धांत को पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे किलेट यौगिक क्या होते हैं, किलेट यौगिक का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट ही टिक लगा रहा हूं, यही आपको अपने बुक नोट्स के स्तर पर टिक लगाना है। अब हम सब कुछ नया करेंगे, इतिहास बदलना है बेटा, ठीक है, और सब कुछ नया करना है, टॉपर बनना है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर बीए बीएससी बीकॉम कर रहा है उन्हें बताओ कि पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लें। अब यहां देखो उसके बाद में आता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसकी लिमिटेशन, ये जो मैं आपको बॉक्स में बंद कर रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये पेपर में छप रहे हैं। उसके बाद में लेंथेनाइड, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में लगभग मैं बता रहा हूँ 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में पूछ रहा है, और मैं 17-18 क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई ज्यादा नहीं बता रहा, ठीक है, सब वही आएगा टोटल के टोटल 85% 90% 96% फंस रहा है जो अभी यूनिवर्सिटी में पेपर चल रहे हैं, 96% तक जो मैंने बताया वही क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ देखो लेंथेनाइड संकुचन के कारण प्रभावों के बारे में, लेंथेनाइड संकुचन होता क्या है और उनके कारण क्या है, इफेक्ट कैसे पहुंचता है, ये आपको बताना है। और उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना मेरी बात को, समझना पड़ेगा आप सभी को, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर रहा होगा, समझ रहे हैं, करो सब्सक्राइब फटाफट से। इसके बाद में ये क्वेश्चन देखो, ये आप देख रहे हैं ना, एंटीनाइट एलिमेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को छोड़ देना, परमाणु को छोड़ देना, आयनिक त्रिज्या को पढ़ लेना, देखो जो छुड़वा रहा हूं उसको छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं उस चीज से पढ़ने के बारे में, कोई फायदा नहीं है, वो पढ़ो जो पेपर में छप रहा है, आयनिक त्रिज्या और एंटीनाइट तत्व, ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है कंप्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब के संक्रमण का निर्माण कैसे होता है, कंप्लेक्स का, जिसे हम संकुल का निर्माण बोलेंगे, संक्रमण नहीं बोलते इसको, संकुल बोलते हैं, ठीक है, संकुल, संकुल का निर्माण कैसे होता है, ये आता है कंप्लेक्स फॉर्मेशन, संकुल का निर्माण कैसे होता है, विद्युत रासायनिक सरणी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बहुत 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 इंपोर्टेंट है, ये छाप लेना, आईयूपीएससी से एक क्वेश्चन बने, 2-3 क्वेश्चन बनेंगे जो 1-2 नंबर के होंगे, ज्यादा का नहीं होगा, वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है, करो तो कर देना वरना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है, आईपीसी नाम लिखने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ आपको नियम पढ़ने पड़ते हैं, छोड़ दो, ज्यादा नंबर का नहीं, 2 नंबर का निकलेगा तुम्हारे हाथ से, छोड़ दो, कुछ फायदा नहीं है इससे, ठीक है, वो पढ़ो जो पेपर में छप रहे हैं और आपको पूरे नंबर लेके आना है। उसके बाद में देखो यहां, देखो ये है आपको, ये वाला तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये वाला इतना क्वेश्चन, ये कह रहा है रिडॉक्स विभव महत्व और प्रयोग, रिडॉक्स विभव क्या होता है, उसकी परिभाषा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी परिभाषा आप पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अम्ल क्षार के लुईस सिद्धांत, उनके वर्गीकरण कम, ये तो बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, ये वाला देखो, अम्ल क्षार के लुईस सिद्धांत के बारे में, क्लासिफिकेशन, सफलताएं, सीमाएं, लिमिटेशन के बारे में पढ़ के जाएंगे, ठीक है, इसको रट के चले जाना, रट के इन क्वेश्चनों को, समझ रहे हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला यूपी के अंदर कोई वादा नहीं है, याद रखना, यूपी का स्टूडेंट हो याद रख लेना इस बात को मेरी, यही छपेगा। देखो यार आप खुद समझो, आपके गैस पेपर क्वेश्चन बैंक सीरीज में ये क्वेश्चन मिल रहे हैं तो बाहर से थोड़ी आएगा, सिलेबस चेंज थोड़ी है, समझो, इन क्वेश्चनों को मैच कर लो, क्वेश्चन मिल रहा है तो ये तैयार कर लो, नहीं मिल रहा है, 1-2 क्वेश्चन छूट रहा है, 2-4-5-10 क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, छोड़ो उसको, उसके जब जो जो मिल रहा है उसको टिक करो, उसके बाद में जो नहीं मिल रहा है उसको अपने तरफ से याद कर लो, 2-3 क्वेश्चन, कुछ नहीं होता यार, ये तो तुम भी दिमाग लगा सकते हो थोड़ा सा, यदि सारे का सारे सिलेबस मिल रहा है तो यही करो, यही पढ़ो, बाकी कुछ मत पढ़ो। यूपी के अंदर 70 से ज्यादा यूनिवर्सिटी हैं अटेंड अभी प्रेजेंट में, जो पॉपुलर हैं ज्यादा के, प्रेजेंट बता रहा हूं 70 से ज्यादा, हमारी वेबसाइट paperhacker.in पर जाकर उनकी नोटिफिकेशन देख सकते हैं, कब क्या कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, मैं सारी यूनिवर्सिटी अपडेट दे रहा हूं, ठीक है, 70 से ज्यादा यूनिवर्सिटी हमारी यूपी में बिलोंग करती है, आप देख सकते हो। अब यहां देखो वो प्राइवेट भी हो सकती है बहुत, जैसे कि मेरे बरेली में 3 से 4 यूनिवर्सिटी है, 4 यूनिवर्सिटी बरेली में है, समझ रहे हो। यहां देखो यहां बोला गया है, आप देखेंगे अम्ल क्षार अभिक्रिया, उसके बाद अक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, अक्षेपण अभिक्रिया के साथ साथ आप संकुलीकरण अभिक्रिया भी पढ़ लेना, संकुलीकरण अभिक्रिया हो सके तो पढ़ लेना, वरना इसको छोड़ देना, हटाओ हटाओ खत्म करो लो, तुम कहते हो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बताते हो, चलो हटाओ इसको बताओ। इसको देखो सिक्के से सोना और चांदी कॉपर कैसे प्राप्त करेंगे, एक एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है सिक्का, मतलब सिक्के से सोना चांदी कॉपर कैसे प्राप्त करेंगे, ये जो बनता है वो एमजेपी यानी रोलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन बनता है, जो बरेली की यूनिवर्सिटी है, तो उन छात्र वाले ये पढ़ लेना, ठीक है, बाकी कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है, हो सके तुम्हारे गेस्ट पेपर में, यदि और किसी यूनिवर्सिटी के गेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन दे रखा है सिक्के से सोना चांदी कॉपर कैसे प्राप्त करेंगे,
हो आपके गेस्ट पेपर में तो लगा लेना, टिक गेस्ट पेपर में तो क्वेश्चन बैंक में हो तो लगा लेना, वरना मत लगाना। आप हमारे नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, यदि आपके गेस्ट पेपर में ये सारे मिल रहे हैं तो आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लेना। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नीचे जाइए। एमसीक्यू क्वेश्चनों के भी नोट्स दे रखे हैं। अब देखो उसके बाद में आता है कोबाल्ट का निष्कर्षण, क्या करेंगे इसको, छोड़ो हटाओ हटाओ इसको हटाओ, खत्म करो यार, बहुत हो रहा है, इसको खत्म करो। ये देखो ये वाला, देखो ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड लिगेंड होते क्या है, आप इसको पढ़िए। उसके बाद में आता है संक्रमण धातु संकुल योगक का निर्माण कैसे करते हैं, संक्रमण धातु है वो संकुल योगक का निर्माण कैसे करते हैं, वही कंप्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको बताना है। ये आप देख रहे हैं CU, देखो ये आता है Cu2+ यौगिक प्रिया रंगीन होते हैं, जबकि Zn2+ यौगिक कैसे होते हैं, सफेद होते हैं, सफेद होते हैं। ये सिद्ध करने के लिए हमसे बोलता है, इसका कारण क्या है, तो याद रखना है आपको। आपके यूनिवर्सिटी में ऐसा क्वेश्चन पूछ भी सकता है, यदि नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आपके गेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन हो तो लगा लेना टिक, नहीं हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। ये खासकर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको मैं छुड़वा देता हूं, तो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। यहां देखिए चुंबकत्व किसे कहते हैं, लौह चुंबकत्व और प्रतिलौह चुंबकत्व क्या होता है, इनकी परिभाषा छोटी छोटी होती है, पढ़ लेना ठीक है। अब यहां ये वाला देख रहे हो ना, ये मोस्ट पे लगा लेना बेटा, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको हम सिंपल भाषा में EAN के ऐसे करके बोल सकता है कि EAN का वर्णन करिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे कहते हैं केंद्रीय धातु की प्रभावी परमाणु संख्या क्या होती है, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी आता है और अक्रिय गैसे भी यहां इसके अंदर के रखी जाती है, ये सब कुछ पढ़ लेना है ओके। उसके बाद में ये पढ़ेंगे जलीय समवेता ठीक है, आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रकाशीय समवेता और त्रिविमीय समवेता, जो तो आप देख रहे हैं ना ये समवेता ठीक है, और आनीकरण समवेता, ये वाला जो समवेता देख रहे हैं ठीक है। आइसोमेरिज्म जो होता है, आइसोमेरिज्म इज मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम 20 कह सकते हैं 22 ठीक है ना, तो 2022 के एग्जाम के लिए ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब यहां देखिए उसके बाद में आपसे आता है अम्ल क्षार की आरोही नियम अवधारणा की सफलता, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला मोस्ट पे लगा देना ये बेटा, बेटा मोस्ट पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट देना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ब्रॉन्स टैड लॉरी सिद्धांत, ब्रॉन्स टैड लॉरी सिद्धांत, देखो ब्रॉन्स टैड लॉरी सिद्धांत देखो आपकी बुक में है, यदि हो तो लगा लेना, नहीं हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो लगा लेना। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो हर बार में आता है, लक्सफोल्ड कॉन्सेप्ट, लक्सफोल्ड का जो संकल्पना है ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, और यूसेनोविक कॉन्सेप्ट धारणा जिसे कहते हैं, यूसोनोविच जो यूसोनोविच थे उनकी एक कॉन्सेप्ट दिया था, यूसोनोविच ने भी एक क्या दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, एक एक संकल्पना दी थी, तो इस संकल्पना को और लक्सफोल्ड संकल्पना को दोनों को पढ़ लेना, क्योंकि ये पेपर में छपेगा 100% आपसे बोल रहा हूं, इसको आप लगा लेना है, बस बात खत्म। यही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बस ये पढ़ लेना है, इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, ये लास्ट में पढ़ लेना है बस, उसके अलावा कुछ और नहीं देखना है। ये है डी ब्लॉक तत्व और संकर तत्व की परिभाषा के बारे में, और यहां कह रहा है इसके जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, क्या कैसे करेंगे, चुंबकीय गुण उनमें कैसे कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं, और उसके बाद में संकरणीय यौगिक का बनना कैसे वो प्रदर्शित करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सबसे बड़ी जानकारी थी आज के। तो आपको बस ये देखना होगा, बस इतने क्वेश्चन ही पढ़ना, क्योंकि टाइम आपको कम है, वीडियो देखना है किसी की देख लो, समझना है समझ लो, कोई इशू नहीं है, बस इतना कर लो, इन क्वेश्चनों को रट लो। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 2022 के टॉपर बनने वाले हो, 85% प्लस तो आपको मिलेगा देखने को, ये मैं आपसे खुद नहीं लिख के भी दे सकता हूं कि 85% यूपी की आल यूनिवर्सिटी के लिए आपको देखने को मिलने वाला है। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, पेपर हैकर को, साथ ही साथ बीएससी बाई पेपर हैकर को, बीकॉम बाई पेपर हैकर को, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ आप देखेंगे खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड को भी सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।